बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई 47 ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने। नंबर एक, जो औरतें रात को सोते से पहले एक गिलास दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर पीती है तो उसकी स्किन कभी भी रूखी नहीं होगी, साथ ही चमकदार और स्वस्थ रहती है। नंबर दो, जो औरतें बैठकर झाड़ू पोछा करती है उसका पाचन क्रिया मजबूत रहती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर थ्री, दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में आराम मिलती है। नंबर फोर, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो सुबह खाली पेटे करेले का जूस पिए। नंबर फाइव, रोजाना शाम को किशमिश के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर सिक्स, सुबह देर से उठने वाले इंसान को दिमाग की नसें कमजोर होती है और शरीर भी आलस में आता है। नंबर सेवन, यदि आपको थकावट जल्दी होने लगती है तो आप गुड़ का सेवन करें, यह आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर एट, चने की दाल के पानी से मुंह धोने से चेहरा का रंग साफ हो जाता है। नंबर नाइन, जो औरतें रात को एक गिलास पानी में दो चम्मच मेथी का दाना भिगोकर खाली पेट इसके पानी का सेवन करती है तो यह उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर टेन, दाल रोटी खाने से इंसान बहुत कम बीमार होता है। नंबर इलेवन, बाई तरफ करवट लेकर सोने की आदत डाल ले, इसे दिल की बीमारी नहीं होती है। नंबर ट्वेल्व, चटनी पीसने के बाद कई बार उसका रंग काला पड़ जाता है और जब हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो वह और भी काली हो जाती है, इसलिए चटनी बनाते समय उसमें एक चम्मच दही डाल दें, इससे चटनी का रंग जैसे है वैसा ही रहेगा। नंबर 13, यदि आपकी किसी सब्जी को गैस पर रेस्ट करने वाली है तो उस पर थोड़ा तेल लगा दें, ऐसे करने से सब्जी का छिलका आसानी से उतर जाता है। नंबर 14, यदि आपके किचन की कैंची अच्छे से काम नहीं करती है तो इसके लिए आप कैंची को नमक के डब्बे में 2-3 मिनट के लिए चला दें, ऐसे करने से कैंची का धार एकदम तेज हो जाएगा। नंबर 15, कोई भी मीठा डिश बनाते समय उसमें एक चुटकी नमक डाल दे, देने से स्वाद उभर कर आता है। नंबर 60, ब्रेकफास्ट कभी भी ना भूले, दिन की शुरुआत पोषण ब्रेकफास्ट से करें, इससे आपकी शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 70, महिलाओं को डाइटिंग की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, हेल्दी खाएं और खूब एक्सरसाइज करें। नंबर 31, हेल्थ के अलावा महिलाओं को अपनी त्वचा का भी खास ध्यान रखना चाहिए, बाजारों केमिकल मेडिकल की जगह त्वचा के लिए घरेलू नुस्खे आजमाएं। नंबर 90, कभी भी अपने डिनर यानी रात के खाने में गरिष्ठ भोजन यानी भारी और तेल वाला भोजन ना करें, जैसे चावल राजमा और मीट मांस आदि। नंबर 20, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी भारी भोजन करना है वह सूर्यास्त पहले ही करेंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं, इस तरीके से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 21, रात का खाना हमेशा जल्दी ही खाने की कोशिश करें कि 9 बजे तक आपका डिनर हो जाए। नंबर 22, ब्रेकफास्ट कभी भी ना भूले, दिन की शुरुआत पोषण ब्रेकफास्ट से करें, इससे आपकी शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 23, महिलाओं को डाइटिंग की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, हेल्दी खाएं और खूब एक्सरसाइज करें। नंबर 24, नमक चीनी मिर्च मसाले दाल आइसक्रीम पका हुआ भोजन आलू आदि सीमित मात्रा में लें। नंबर 25, ऊंची एड़ी की चप्पल जूते टीवी व सिनेमा मोटापा व थका देने वाला व्यायाम से बचे। नंबर 26, पति को कहे कि रोज सुबह उठकर उगते हुए सूरज को प्रणाम करके प्रार्थना करे, ऐसा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और जीवन में तेज बल और वृद्धि आगमन होता है। नंबर 27, एक बार शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर पति को कहे तिल के तेल छाया करने अवश्य करे, ऐसा करने से सौभाग्य आपका बढ़। 28, अपने घर के आसपास किसी भी तालाब या नदी चयन करें, नियमित रूप से कुछ आटे गोलियां मछलियों को खिलाने से किस्मत में तरक्की आती है। नंबर 29, दूध के पाउडर में शहद और थोड़ा सा पानी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, इससे स्किन सॉफ्ट ग्लोइंग होती है और धीरे धीरे झुर्रियां भी कम हो जाएगी। नंबर 30, एक बड़ा चम्मच कड़ी पत्ता पेस्ट में 3-4 बड़े चम्मच दही मिलाए इस हेयर मास्क के अपने स्क्रब और बालों की मालिश करें, इससे बाल का टूटना कम होगा और घने और लंबे भी होंगे। नंबर 31, गर्दन पर नींबू लगाने से 15 मिनट तो छोड़ दे, फिर उसे धो ले, नियमित ऐसा करने से गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा। नंबर 32, कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले मसाज करें या फिर ऐसे छोड़ दे, इसे धूल मिट्टी निकल जाती है, रंग भी साफ हो जाती है। नंबर 33, ग्लोइंग स्किन के
पिए संतरे का जूस। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। रोज एक गिलास संतरे का जूस पीने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और स्किन भी ग्लो करती है। नंबर 34, मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ी सी हींग रख सकते हैं। ऐसा करने से मिर्च लंबे समय तक चलेगी। वह हरी मिर्च का डंठल तोड़कर फ्रिज में रखने से भी मिर्च जल्दी खराब नहीं होती है। नंबर 35, कटे हुए सेब को लंबे समय तक फ्रेश रखने और काला होने से बचाने के लिए कटे हुए सेब को टुकड़ों को ठंडे पानी में नमक और नींबू डालकर उसमें निकाल ले और ऐसा करके सेब काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेगा। नंबर 36, घर में अगर चींटियाँ आ रही है तो चींटियाँ आने वाली हर जगह थोड़ा सा कपड़े धोने का साबुन दे, चींटियाँ भाग जाएगी। नंबर 37, अगर दो बर्तन आपस में फंस गया हो तो फंसी हुई जगह पर थोड़ा सा तेल लगा दे, आधे घंटे तक घुमाने पर बर्तन निकल जाती है। नंबर 38, कई बार चावल लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इससे चावल के डब्बे में थोड़ा सा नमक डालकर रखें, नमक चावल कीड़े नहीं पड़ेंगे। नंबर 39, नमक के जार में मॉइस्चराइजर आने पर मॉइस्चराइजर को हटाने के लिए नमक के जार में थोड़े से चावल के दाने डालें, चावल के दाने मॉइस्चराइजर को सोख लेते हैं। नंबर 40, लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन की कलियां को थोड़े समय के लिए गर्म पानी में डाल दें, फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन छीलेंगे तो छिलका आसानी से उतर जाएगा। नंबर 41, मिर्च को स्टोर करने के लिए डंठल तोड़कर किसी बंद डब्बे में रखकर फ्रिज में रख दे, इससे मिर्च बेहतर लंबे टाइम तक ताजी बनी रहेगी। नंबर 42, गरम रोटियों को कैसरोल में रखने के साथ आप उसमें एक अदरक का छोटा टुकड़ा डाल दीजिए, इससे रोटियां जल्दी ख़राब नहीं होती है। नंबर 43, चूड़ियाँ सिंदूर की तरह ही सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ को अन्य महिलाओं को नहीं देना चाहिए, इससे भाग्य कमजोर होता है। नंबर 44, बिछिया को सुहागन महिलाओं की निशानी माना जाता है। बिछिया केवल सुहागिन महिलाओं की पहन सुहागिन महिलाओं ही पहन सकती है। अपने पैरों में पहने हुए बिछिए भी दूसरे को नहीं देना चाहिए, इससे सौभाग्य छिन जाता है और साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आ सकती है, यानी कि आ जाती है। नंबर 45, धार्मिक मान्यता है कि सोने को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। पैरों में सोने की पायल पहनने से मां लक्ष्मी का अनादर होता है। कहते हैं ऐसे करने पर धन का हानि नुकसान झेलना पड़ता है। नंबर 46, कहते हैं कि कमर के ऊपर स्वर्ण के आभूषण और कमर के नीचे चांदी के गहने पहनने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे साधक पर पूरी बुरी असर नहीं पड़ता है। नंबर 47, खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान नजर आती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी कोई न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने या सुनने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, बाय बाय, मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।